और यहीं पे ना अरुण फूल का पेड़ है, तो चलिए वहां से भी ना कुछ पत्ते और कुछ फूल भी ले लेते हैं क्योंकि फूल भी खिले हुए हैं। तो गाइस ये देखिए, ब्यूटी ने सारे जड़ी बूटी को कूट ली है और अब तेल बनाने के लिए उधर आंच चला तो रही। ये देखिए तेल ना हमारा बन रहा है, और मुझे ना इसमें कुछ और चीज ऐड करनी है जो मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। और ये देखिए यहाँ पर ना हमारा सीरम भी बन रहा है, तो ये देखिए तेल को भी मैंने छान लिया है। तो अब इसी नारियल तेल के डब्बे में ना इस तेल को रख देते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे में ना एक डब्बा तेल था, तो देखते हैं कि इसमें कितना बचा हुआ है। तो सबसे पहले आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, मैं ब्यूटी और स्वागत है आपका दिव्यांशु फैमिली ब्लॉग के एक नए वीडियो में। और गाइस अभी ना सुबह के 11 बज चुका है, तो आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। और गाइस आप लोगों को पता है कि मेरा बाल ना बहुत ज्यादा झड़ता है, तो कुछ दिनों पहले ना हमने एक वीडियो बनाया था तेल वाला, जो तेल ना बहुत अच्छा बालों के लिए होता है और बहुत अच्छा बाल में काम भी करता है। तो आज भी ना हम वही तेल बनाने जा रहे हैं, तो चलिए पहले ना सारा सामान ले आते हैं, इसीलिए ना हम सभी लोग जा रहे हैं जंगल की तरफ। तो चलिए चलते हैं जंगल में और सारा सामान लेके आते हैं, फिर तेल बनाएंगे। और गाइस सुबह से ही ना थोड़ी बहुत बारिश हो रही है, देखिए नीचे कीचड़ भी हुआ है, लेकिन अभी ना थोड़ा सा धूप निकला है और बारिश भी थोड़ी बंद हो गई है। तो चलिए जल्दी से ना सामान ले आते हैं क्योंकि बारिश लगी हुई है, तो कभी भी बारिश हो सकती है। तो क्या चलिए बात पहले ना है सामान ले आते हैं। क्या हुआ बेटा? बेटा, चप्पल में मिट्टी लगता ही है इसके सैंडल में ना मिट्टी लगे, इसलिए बोल रहे मम्मी पोछ दो। चलो चलो चलो, और गाइस हमारे आसपास ही ना ढेर सारे जो हर्ब्स हैं जो मिलते हैं, जड़ी बूटी सब मिलते हैं, तो चलिए वहीं से कुछ लेकर आते हैं। अभी जा रहे हैं हम लोग मेहंदी का पत्ता लाने, पास में एक मामी का घर है, उनके पास मेहंदी है, मेहंदी का पेड़ है, तो वहीं से मेहंदी का पत्ता लाने। और ये हमारे घर के पीछे का साइड है ना, तो इधर से हम लोग चलते हैं। ये देखिए एकदम से हरा भरा, और इधर से जंगल है। पहले हम लोग ने यहाँ पे ये देखिए बड़ा सा एक पेड़ है, इसके नीचे बहुत खेलते थे, लेकिन अब नहीं आते हम लोग, उधर क्रिकेट खेलने जाते हैं। तो अब ना हम लोग पहुंच गए हैं, ये देखिए यही मामी का घर है वो, और उधर मेहंदी का पेड़ है, उधर से लाना है, लेकिन पहले ना पूछ लेते हैं मामी जी से। तो चांद जा रही है घर खोल के, उसे पूछने पूछ के आएंगे, फिर यहाँ पे मेहंदी का पेड़ है तो यहाँ से कुछ पत्ता तोड़ लेंगे। तो ये देखिए गाइस चांद ने पूछ कर चली आई है, तो चलिए अब मेहंदी तोड़ लेते हैं। तो चलिए गाइस हमने ना मामी जी से पूछ लिया है, तो यहाँ से ना कुछ मेहंदी का पत्ता निकाल लेते हैं। ये देखिए बहुत अच्छे अच्छे ना पत्ते लगे हुए हैं, क्योंकि बारिश के मौसम में सभी पेड़ पौधे ना हरे भरे हो जाते हैं। ये देखिए कितना सारा पत्ता लगा हुआ है, तो चलिए इसमें से ना हम थोड़ा सा पत्ता निकाल लेते हैं। तो चलिए गाइस हमने ना इतना सारा मेहंदी का पत्ता तोड़ लिया और हमें ना इतना का ही काम है। और ये देखिए मामी जी के बारे में ना कितने सारे भुट्टे लगे हुए हैं, और ये सब ना पूरा तैयार हो चुका है। ये देखिए अब बस पक जाएंगे तो इसे ना निकाल लेंगे, क्योंकि सारे में ना दाने हो चुके हैं। ये देखिए तो चलिए चलते हैं अब उधर, क्योंकि अब हमें ना अड़हुल का फूल और उसका पत्ता चाहिए, वो भी आ गया है वहीं पर तोड़ लेंगे। चलो 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 दिव्यांश, और इसे बताओ, देखिए ये क्या कर रहा है। चलो चलो आ वहाँ पे कल पे धो देंगे। चलो, और यहीं पे ना अरुण फूल का पेड़ है, तो चलिए वहां से भी ना कुछ पत्ते और कुछ फूल भी ले लेते हैं क्योंकि फूल भी खिले हुए हैं। तो चलिए यहाँ से भी निकाल लेते हैं। बेटा इधर मत आना। जाओ। तो गाइस हमने मेहंदी, अड़हुल का फूल और अड़हुल का पत्ता, मतलब कुल मिला के तीन चीज ले लिया है। और अब हमें जाना है वहां पे, उस पेड़ के पास ना एक आंवला का पेड़ है, तो वहां चलते हैं, वहां से आंवला का पत्ता लेकर आते हैं। आंवला तो अभी फला नहीं होगा, तो उसका पत्ता ही लेकर आएंगे, उसी का यूज करेंगे। अगर आंवला मिल जाता तो और अच्छा होता, कल हम बाजार में भी ढूंढे थे लेकिन आंवला नहीं मिला था, उसका पत्ता ही तोड़ कर ले आते हैं, उसमें भी वही गुण होता है, तो उसका पत्ता भी डाल देंगे। और सुबह से ना गाइस बारिश हो रहा था, अभी थोड़ा देर के लिए बंद हुआ है बारिश, तो हम लोग सोचे सब कुछ ले आते हैं। और ये देखिए वहीं पे जाना है, उस पेड़ के अंदर ना आंवला का एक पेड़ है, और फाइनली गाइज हमें ना मिल गया है आंवला का पेड़। ये देखिए ये जो पत्ता है छोटा वाला, यही है आंवला का पेड़, तो ब्यूटी जा रही है तोड़ने। ये देखिए
बस ये नीचे वाला जो है यहाँ का, हाँ पूरा निकालना। ये देखिए ये ज्यादा ही हो जाएगा दोस्तों, तो चलिए अब लेकर इसको भी चलते घर पे, आ जाओ इधर। तो चलिए ये देखिए ब्यूटी ने तोड़ लिया आंवला का पत्ता, और हमारे पास ना अब सारा चीज हो गया है। और कड़ी पत्ता जो था वो सुबह ही हम ले आए थे जंगल में, क्योंकि वो उस तरफ घने जंगल में जाना पड़ता है। अब लेना है नींबू का पत्ता। और अब लेना है नींबू का पत्ता। तो चलिए गाइस हम ना आ गए हैं दूसरे तरफ, और यहाँ से ना नींबू का पत्ता तोड़ लेते हैं, ये देखिए। और अभी ना जंगल बहुत ज्यादा है, और ये जंगली मच्छर जो काटते हैं ना, इतनी ज्यादा खुजली होने लगती है ना हाथ पैरों में, पूछिए हिम्मत। और दिव्यांश को ना उस तरफ बहुत मच्छर काट लिया, इसलिए वो तो रोने का हालत उसका आ चुका था। और ये देखिए इस सब तरह बहुत ज्यादा मच्छर काट लिया है। तो चलिए हमने ना इतना सारा नींबू का पत्ता भी तोड़ लिया, बस थोड़ी थोड़ी का काम है, तो चलिए चलते हैं, ये भी हो गया। तो गाइस हमें ना जितना सामान जंगल से मिलने वाला था वो सारा हमने ले आया है। और ये देखिए यहाँ पर ना हमारे घर पे ही वो भृंगराज, पान का पत्ता, एलोवेरा, ये सब है। तो हमें ना सिर्फ भृंगराज चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर भी छोटा सा ना पौधा उगा हुआ है, ये देखिए। ये देखिए इसे ना हम धो लेते हैं, क्योंकि इसमें ना मिट्टी लगी हुई है बहुत ज्यादा। और हमारे इधर ना मतलब गांव में ना इसे भंगड़िया बोला जाता है, और जब हाथ उत कट जाता है ना तो इसे मसल के इसका ना रस उस पे डालते हैं, तो जल्दी घाव ठीक हो जाती है ना। तो चलिए पहले ना इसे धो लेते हैं, ये देखिए। तो ये देखिए मैं ना सारा सामान लेके यहाँ पे आ गई हूँ, और यहाँ पे मैंने चूल्हा भी लगा लिया, क्योंकि इसी पे बनाना है, गैस तो खत्म हो चुका है। तो चलिए ये देखिए अब मैंने इस सबको ना थोड़ा थोड़ा कूट लेती हूँ, इसके लिए मैंने उखली को भी ना धोकर साफ कर लिया है। तो चलिए अब इस सबको ना हम रख के कूट लेते हैं। तो ये रही कड़ी पत्ता, जो दिव्यांश के पापा ना सुबह ही जंगल की तरफ घूमने गए थे तो वहीं से ले आए थे। थोड़ा थोड़ा ना इसे कूट लेंगे तो इसका सारा रस ना बाहर निकल जाएगा। और ये रहा ना अड़हुल का पत्ता, और ये है भृंगराज। और ये है नींबू का पत्ता। तो चलिए पहले ना इस सबको कूट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा ही बस कूटना है, और इसे ना थोड़ा थोड़ा ही कूटना है। इसे थोड़ा थोड़ा कूट लेंगे ना तो इस सबका रस ना बाहर निकल जाएगा, तो तेल में ना अच्छे से घुल जाएगा। तो चलिए इसे ना पहले कूट लेते हैं थोड़ा थोड़ा। और नींबू का पत्ता ना बहुत सख्त होता है, ये जल्दी फूटता नहीं रहता है। ये देखिए कुछ इस तरह से, बस थोड़ा सा हल्का सा दरदरा कर देना है। और अब हम इसमें रखते हैं यह अड़हुल का फूल, है ना, वैसे ही। तो गाइस ना हम फूल को ना ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये तो बहुत नरम होती है, ये आराम से घुल जाएगी। और ये रहा आंवला का पत्ता, इसे भी थोड़ा कूट दे, इसे कूट देते हैं। और हम लोग ना पहले इस आंवले के पत्ते से ना इस तरह से खेलते थे ना, तो बिंदी लगाते थे। हाँ पहले हम लोग खेलते थे तो इस पत्ते से ना बिंदी लगाते थे। और अब इसमें डाल लेते हैं ये मेहंदी का पत्ता। और गाइस हमने इस समय से ना थोड़ा थोड़ा सामान इसलिए बचा के रखे, क्योंकि हमने हेयर सीरम भी बनाएंगे, तो इसलिए मैंने ना सभी में से ना थोड़ा थोड़ा सामान को रख लिया है ऐसे ही। तो चलिए पहले तेल बनाएंगे, उसके बाद ना ये हेयर सीरम भी बना लेंगे, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे, तो वीडियो में अंत तक ना बने रहिएगा। तो ये देखिए मैंने ना आंच को जला लिया, और इस चूल्हे में ना सबसे ज्यादा मुश्किल होती है आंच जलाना, जो कि जल चुका है, और बस अब इसमें जलावन लगाते रहेंगे तो ये आंच नहीं बुझेगी, वरना बुझ जाती है तो फिर से जलाने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि जल्दी जलती नहीं रहती है, और जब जल जाती है
तो आराम से ना गैस की तरह जलती रहती है। और यहाँ पे ना हवा आ रही है, इसकी वजह से नहीं है, थोड़ा धुआं हो रहा है क्योंकि हवा चल रही है अभी। और इस बारिश के बाद ना मक्खी इतनी ज्यादा परेशान करने लगती है ना कि कुछ बता ही नहीं सकते, और इस मक्खी का हम कुछ कर भी नहीं सकते। तो चलिए, आज भी जल चुका है, तो चलिए अब इस पर नहीं है हांडी चढ़ाते हैं और इसमें ना हम तेल बनाएंगे। तो चलिए, हमने ना हांडी चढ़ा दिया है, तो अब ना इसमें डाल देते हैं पानी। और तब तक ये ना पानी गर्म होगी, तब तक मैं इस बाटी में ना सारा सामान रख लेती हूँ। तो ये देखिए, ये ना है नारियल का तेल, तो आज हम इसी तेल में ना तेल बनाएंगे। और दिव्यांश को देखिए, ये ना पलट दिया था इसके डब्बे को, ये पूरा तेल ना ढक्कन में आ चुका था। तो चलिए इसके ये कवर को ना निकाल देते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए सारा तेल हमने निकाल लिया है। तो चलिए अब इसमें ना सारा सामान रख देते हैं। तो ये रहा मेहंदी और आंवले का पत्ता जिसे हमने कूट लिया है, तो ये रहा कड़ी पत्ता, अड़हुल का फूल का पत्ता, और ये रहे अड़हुल के फूल जिसे मैंने ऐसे ही रख दिया है। एक ही डालो, एक ही ज्यादा हो जाएगा। एक ही डाले। हाँ, सब निकाल के डाल दो ना, चीर के डालो। और ये देखिए, ये रहा अड़हुल का फूल, तो इसे डाल देते हैं। और अब हम इसे डालेंगे ना पानी में, तो पहले पानी को देख लेते हैं गर्म हुआ या नहीं। और ये देखिए, पानी भी ना ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है। तो चलिए अब इस बाटी को ना इसमें रखते हैं। तो ये देखिए, मैंने सारा सामान इसमें ना रख लिया है। तो ये देखिए, बाटी को ना हमने रख दिया है, और इसे ना हम डबल बॉयल करेंगे क्योंकि पानी नीचे खौलता रहेगा और उस पानी के भाप से नहीं ये पकता रहेगा। तो ये देखिए, पानी भी खोलने लगी है। तो चलिए इसमें ना थोड़ा सा और लकड़ी लगा देते हैं, और हमारे घर पे ही ना तुलसी का पत्ता है, तो चलिए उसे निकाल कर ना इसमें रख देते हैं, थोड़ा सा वो भी रखना है। तो ये देखिए, तेल ना हमारा बन रहा है, और मुझे ना इसमें कुछ और चीज़ ऐड करनी है जो मैं यहाँ पे लेकर आ गई हूँ। ये देखिए, और ये रहा प्याज, तो इसमें तो मैंने इसमें प्याज का ये छिलका भी रखूंगी निकाल कर। ये देखिए, कुछ इस तरह से ये ऊपर वाले छिलकों को निकाल कर रख लूंगी। गाइस, कुछ दिनों पहले ना हम लोगों ने प्याज का जो रस होता है वो निकाल कर अपने बालों में लगाया था। होता तो बहुत अच्छा है, उससे ना बाल बहुत अच्छा हो जाता है, लेकिन दिक्कत एक ही चीज रहती है कि इसकी जो गंध होती है ना बहुत बुरी होती है। गाइस, हम लोगों ने लगाया था, मैं तो बस एक दिन ही लगाई थी, दिव्यांश के पापा तो 2-3 दिन लगाए थे, मैं एक दिन लगाई थी, लगभग 2-3 महीने तक बाल में से वही स्मेल आती थी। और इतना बुरा स्मेल था ना, पूछिए ही मत, कितना भी शैम्पू से धो लो उसकी गंध जाती ही नहीं है। उसी की वजह से मैं उसके बाद दोबारा कभी लगाई नहीं, और दिव्यांश के पापा तो एक दो बार लगाए भी, और बाल लेकिन बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छा। जिसे ना ये प्याज की स्मेल पच जाती है उसके लिए तो बहुत अच्छा है, बस मुझे नहीं हुआ, तो मैंने नहीं लगाया, और बहुत गंध मारती है प्याज की स्मेल, तो इसीलिए मैंने दोबारा लगाया नहीं। तो चलिए इसमें ना हम ये प्याज का जो छिलका है इसे रखेंगे, ये ऊपर ऊपर वाली छिलका। तो ये देखिए, ये रहा ना प्याज का ऊपर वाला छिलका, इसे भी रख देते हैं। और चलिए ये सामान भी रख देते हैं। ये देखिए, इसमें ना है कलौंजी, और हम लोग ना इसे गांव में ना मंगरेला बोलते रहते हैं। ये देखिए, और इससे ना बाल काले हो जाते हैं, मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए ये भी रख दिया, और अब इसमें रख देते हैं मेथी का दाना। कितना? तो ये देखिए, ये रहा मेथी का दाना, तो ये भी हम इसमें रख देते हैं। तो ये देखिए, इस तेल में हमने जितनी भी जड़ी बूटी डाली थी ना, वो सबने अपना कलर चेंज कर लिया है, और इस तेल का भी जो कलर है वो ना ये देखिए बदल चुका है। तो ये तेल अब तैयार हो चुका है निकालने के लिए, और इसमें ना हम बहुत देर से आंच भी लगा रहे हैं, तो ये अच्छे से बन भी गई होगी। और इस तेल में से ना गाइस बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है, और आप लोग विश्वास नहीं करोगे, मैं बताओ कि ये किस तेल की खुशबू है। ये तेल मैंने लगाई है तो मुझे बहुत अच्छे से पता है इस तेल की जो खुशबू है ना। क्या हुआ? हाँ, बनाएंगे। और गाइस, इस तेल की जो खुशबू है ना, सेम टू सेम जो इंदुलेखा तेल होती है ना, उस तेल की खुशबू आ रही है इसमें से, सेम टू सेम। और कलर भी वैसा ही है, ये देखिए, उस तेल का भी कलर ऐसा ही रहता है, और खुशबू भी ऑलमोस्ट वैसी ही है, क्योंकि मैंने लगाया है 2-3 डब्बा तो मुझे याद है, और ये ना इंदुलेखा तेल की खुशबू है।
बिल्कुल वैसी ही खुशबू है। तो चलिए अभी सबको ना निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख देते हैं, फिर सबको ना छान लेंगे। दे दो। तो चलिए अब ना इसे उतार लेते हैं और इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। ये देखिए पानी जो नीचे हमने रखा था वो भी आधा जल चुका है। तो चलिए अब ना इस कटोरी को भी निकाल लेते हैं और ये ना गर्म है। और ये देखिए हमने इसमें ना 1.5 लीटर पानी रखा था और देखिए बस आधा लीटर बच चुका बन चुका होगा देखिए। तो चलिए अब इस तेल को ना आराम से हम साइड में रखते हैं और इसे ठंडा होने देते हैं पहले, फिर इसे ना छन्नी से छान लेंगे। क्या हुआ? दिव्यांश उस चम्मच से इसे ठंडा करेगा बेटा, ठंडा करने की वजह गिरा मत देना। तो चलिए गाइस जब तक तेल ना ठंडा होता है तब तक ना हम हेयर स्प्रे बना लेते हैं। तो ये देखिए इसी कढ़ाई में मैं ना पानी रख देती हूँ। ये देखिए इतना सारा मैंने पानी रख दिया और इसमें यही सारा सामान हम रख के बनाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये सारा सामान इसलिए मैंने बचा के रखा था। तो ये रही फूल, इसके डंठल निकाल देते हैं। ठीक है ये लो, उधर से डालो, उधर से, उधर से, हाँ अलग से ही रखना, हाथ मत चटा लेना। ठीक है हो गया, ये लो अब हो गया बेटा। चलो तो चलिए गाइस तेल ना अब ठंडा हो चुका है ये देखिए। तो चलिए अब इस छन्नी से ना इसे छान के देखते हैं इसमें से तेल कितना बचा है, क्योंकि उस डब्बे से ना हमने 1 डब्बा तेल लिया था पूरा भरा हुआ था। तो चलिए अब इसे छानते हैं। और ये देखिए यहाँ पर ना हमारा सीरम भी बन रहा है। तो ये देखिए तेल को भी मैंने छान लिया है। तो अब इसी नारियल तेल के डब्बे में ना इस तेल को रख देते हैं और देखते हैं कि इस डब्बे में ना 1 डब्बा तेल था, तो देखते हैं कि इसमें कितना बचा हुआ है। तो चलिए इसी ने इस डब्बे में रख देते हैं। और ये देखिए इस डब्बे में ना 1 डब्बा तेल था और लगभग इसे ना आधा से थोड़ा सा कम जला हुआ है तेल। तो चलिए ये देखिए, तो इसे ना अब हम आराम से कहीं पे रख देंगे और रात को ना अपने बालों में लगाएंगे और सुबह होकर ना शैम्पू कर लेंगे। और गाइस इस तेल को ना हम 2 सप्ताह तक लगाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं कि बालों में क्या फर्क आता है, फिर आप लोगों को बताएंगे, क्योंकि मेरे बाल ना भी बहुत ज्यादा झड़ते हैं। तो ये तेल लगा कर देखते हैं 2 सप्ताह तक कि क्या रिजल्ट आता है, फिर आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए अब ये भी बन ही गया है तो अब इसे भी निकाल लेते हैं। तो चलिए अब इसे भी छान लेते हैं इसी छन्नी में। और इसका पानी भी ना पूरा कलर बदल चुका है पानी का, ये देखिए पूरा ना लाल हो चुका है। छन्नी बेटा होता, छन्नी होता है, छन्नी 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 नहीं होता है।